हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिम्स इजी कुकिंग रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ नारियल की चटनी। अक्सर चटनी हम घर में बनाते तो है, लेकिन उसमें होटल जैसी बात नहीं होती है, तो इसीलिए आज मैं आपको एकदम होटल जैसी चटनी की रेसिपी बताने वाली हूँ। इसे आप कोई भी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट जैसे कि इडली डोसा वड़ा के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ताजे नारियल। नारियल का छिलका मैंने नहीं निकाला है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे निकाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम ऐड कर देंगे रोस्टेड चना दाल, 2 टेबलस्पून रोस्टेड मूंगफली, थोड़ा सा अदरक और लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से ऐड करें। थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैं हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम फाइनली पीस लेंगे। तो चलिए, चटनी हमारा तैयार हो गया। अभी हम इसके लिए एक बढ़िया सी तड़का बनाएंगे, तो पहले इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने एक छोटा पैन गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल अभी गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून सरसों, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1/4 टीस्पून हींग, 1 सूखी लाल मिर्च और 10 से 12 करी पत्ता। कुछ देर के लिए फ्राई होने देंगे इसे। तो चलिए, तड़का भी हमारा तैयार हो गया। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इस तड़के को डाल देंगे हमारी चटनी के ऊपर। मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी बनती है ये चटनी दोस्तों, तो एक बार घर पर इसे जरूर बनाएं। और अगर अभी तक आपने मेरी सांबर की रेसिपी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप जरूर चेक करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी कुकिंग।